हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी और मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बैलून कैसे बनाते हैं इन अडोबी इलस्ट्रेटर। इस वीडियो में बेसिकली हम सीखेंगे कि ग्रेडियंट टूल को कैसे यूज़ करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि बैलून के ऊपर हम शाइनी इफेक्ट ऐड करेंगे और इसी तरह बैलून की एजेस पे डार्क शेड ऐड करने के लिए हम ग्रेडियंट्स यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टूल बार से एलिप्स टूल पे क्लिक करें और क्लिक को ड्रैग करके आप ऐसे एक शेप बनाएं। मैंने अपने बलून का कलर ग्रीन सेलेक्ट किया है। आप अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से फिल पे क्लिक करें और कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें और क्लिक को ड्रैग करके आप इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अब आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखना है और क्लिक और ड्रैग करेंगे इस हैंडल को लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा। बेसिकली हम बलून की शेप बना रहे हैं, तो अब हम इस हैंडल पे क्लिक और ड्रैग करेंगे लेकिन शिफ्ट प्रेस करके, ताकि जो हमारी डायरेक्शन है वो स्ट्रेट जाए। क्लिक और ड्रैग करें। अब हम इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। आप क्लिक और ड्रैग करें यहाँ से और शिफ्ट प्रेस करते हुए क्लिक और ड्रैग करेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब हम मूव टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हमारी बैलून की शेप कैसी बनी है। अब हम पेन टूल के ज़रिए एक शेप बनाएंगे। अब पेन टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें और दोबारा क्लिक और ड्रैग करें ऐसे, और ऐसा कर्व आपने बनाना है। देन आप इस कर्व को ख़त्म करने के लिए जो नेक्स्ट में बन रहा है आप इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करें और हमारी नेक्स्ट लाइन जो वो स्ट्रेट बनेगी ऐसे। तो आपने क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है नीचे की तरफ कर्व बनाने के लिए। अब मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक वैसे ही कर्व लगाऊँगा। अब मैं इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके और इसके ऊपर क्लिक करके अपनी शेप को कंप्लीट करूँगा। अब हम सिलेक्शन टूल के ज़रिए इस ऑब्जेक्ट का साइज़ कम करते हैं और यहाँ से मैं थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करता हूँ इसको। क्लिक और ड्रैग करेंगे, इसका साइज़ बहुत कम करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ पर फिट कर देंगे। अब राइट क्लिक करें इसको और अरेंज और सेंड टू बैक पे क्लिक कर दें। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एडिट के मेन्यू में जाएं और कॉपी करें, और फिर एडिट के मेन्यू में जाएं और पेस्ट इन फ्रंट। अब विंडो के मेन्यू से ग्रेडियंट क्लिक करें और अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर एक क्लिक करें, यहाँ से हम टाइप जो सेलेक्ट करेंगे वो रेडियल होगी, और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और कलर हम यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। इस स्लाइडर के ऊपर क्लिक करें और ओपेसिटी को ज़ीरो कर दें यहाँ से। अब हम इस स्लाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से लोकेशन हम 50% करेंगे। अब इस ग्रेडियंट स्लाइडर के ऊपर क्लिक करें, ये जो ऊपर डॉट्स है, और इसकी लोकेशन हम करेंगे यहाँ से 90%। बेसिकली ये 90% नहीं होगी, ये इसकी लास्ट रेंज जो है वो 87% तक जाएगी। अब हम ग्रेडियंट टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करेंगे शिफ्ट प्रेस करते हुए। अभी ये जो ग्रेडियंट लाइन है, या आप ग्रेडियंट स्लाइडर कह सकते हैं, इसको क्लिक और ड्रैग करके हम नीचे लेके आएंगे, और ये जो सर्कल बना हुआ है आपने यहाँ से क्लिक और ड्रैग करना है ऐसे। बेसिकली हम अपनी एजेस के ऊपर ये डार्क एरिया शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम इसके ज़रिए हम सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करें और जो ब्लेंड मोड हमने सेलेक्ट करना है वो है जी ओवरले। अब हम दोबारा अपने बलून की कॉपी लेंगे, एडिट के मेन्यू से कॉपी और एडिट के मेन्यू से पेस्ट इन फ्रंट। ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करें और ब्लेंड मोड हम नॉर्मल करेंगे, और फिल के मेन्यू से हम ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। टाइप हम रेडियल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करके हम जो अपना कलर है वो वाइट सेलेक्ट करेंगे। इस ग्रेडियंट स्लाइडर के ऊपर क्लिक करके और ओपेसिटी को ज़ीरो कर दें। अब इस स्लाइडर पर दोबारा क्लिक करें और जो लोकेशन होगी वो हम 50% कर देंगे। ग्रेडियंट स्लाइडर को क्लिक करके थोड़ा सा मूव आप इस तरह कर लें। अब हम ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक और ड्रैग करेंगे इस जगह पर। अब अगेन एडिट, कॉपी और एडिट के मेन्यू से पेस्ट इन फ्रंट, और इस बार हम यहां से क्लिक को ड्रैग करेंगे।
आप क्लिक और ड्रैग करके इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं जहाँ पर आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। अगेन एडिट के मेन्यू से कॉपी और एडिट के मेन्यू से पेस्ट इन फ्रंट, और इस बार हम यहाँ से ग्रेडियंट लेंगे। अब हम मूव टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इसकी कॉपी लेंगे एडिट के मेन्यू से कॉपी और एडिट के मेन्यू से पेस्ट इन फ्रंट, और यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। और जो ब्लेंड मोड लेंगे वो हम ओवरले सेलेक्ट करेंगे। अब आप पेंसिल टूल के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से फिडेलिटी जो है वो आप स्मूथ कर दें एंड क्लिक ओके, और यहाँ से ऐसी एक लाइन बनाएंगे। 2 point स्ट्रोक इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिखें और एंटर प्रेस कर दें और राइट क्लिक करके रेंज और सेंड टू बैक। सो गाइज आर बलून इज़ रेडी, और ग्रेडियंट टूल को यूज़ करते हुए हमने अपने बलून में कलर ऐड किए हैं। अगर आप बलून का कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप सिंपली क्लिक और ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर लें, एडिट के मेन्यू में जाएं और एडिट कलर्स के ऊपर रीकलर आर्टवर्क के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहां से आप ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करें और यहां पर आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूज। एंड क्लिक ओके। तो हम ये बलून ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।